काम किया और शोक तोड़ दी। आज दादरी की धरती पर आयोजित इस महारैली और विजय रैली में यहां पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, माताएं बहने, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथीगण, मंच पर मौजूद सभी जेजीपी के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय नैना चौटाला जी जो बारडा से प्रत्याशी भी है और जिनका आशीर्वाद जो है भाई दुष्यंत जी के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी और आपके नौजवानों के ऊपर भी है, हमारे इस चुनावी समर के जो ड्राइविंग सीट पे है और अच्छे ड्राइवर है और जो आपकी गाड़ी को आके चंडीगढ़ तक लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, ऐसे हमारे छोटे भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे पूर्व मंत्री और दादरी से आने वाले भावी विधायक और भाई बाकी मंत्रिमंडल तो तय इन्होंने करना है, सिफारिश मेरी भी है फिर मंत्री बना देना। आदरणीय सतपाल सांगवान जी, रण सिंह मान जी भाई, हमारे रघुवीर छिलर जी, आदरणीय हमारे भाई पूर्व विधायक फोगाट साहब, भाजपा विधायक कॉमरेड साहब और सभी मंचासीन, क्योंकि भाई देखो अपना नया नया सा मामला है, मैं आपके समर्थन में आया हूं, किसी का नाम छूट जाए तो मैं माफी चाहूंगा और सामने भी एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। देखो इस जमीन का और क्या सहयोग बनता है वो तो आप देख ही रहे हो। मैं आते ही याद करवा रहा था सतपाल सांगवान जी को कि पिछला चुनाव था, सरकार जारी थी, पिछला चुनाव था सरकार जारी थी, लेकिन उस दिन भी मैं आखिरी दिन इनके रैली में सबसे पहली रैली इनकी करने आया था। आज आखिरी से दूसरी रैली जो है ये है, इसके बाद आखिरी अभी हम गोहाना में करेंगे और उस टाइम सरकार जारी थी और आज सरकार आ रही है, हवा बता रही है जेजेपी आ रही है। तो साथियों यो धारा छोरा दुष्यंत बहुत बढ़िया है और इसलिए हमने इस परिवार का और भाई दुष्यंत जी का साथ देने का ये सोचा और ये जो हमारी सोच थी। देखिए कई बार राजनीति में बहुत तरह के उतार चढ़ाव हम देखने को मिलता है, लेकिन लगातार पिछले चार दिन से जब से हमने ये ऐलान किया कि हम भाई दुष्यंत जी को, उनकी पार्टी को मोटे तौर पर अधिकतर जगह पर उनको समर्थन देंगे और इतना समर्थन जरूर देंगे कि उनकी सरकार मजबूत सरकार बन जाए, और उस दिन से लेकर के आज तक हम जहां जहां भी गए देखने को इसी तरीके से जुजुन मिलता है, लोग किलके मारते हैं और किलके मार करके स्वागत करते हैं और ये इस बात का सबूत है कि चारों तरफ जो है जहां जहां भी हम गए, हमने अथीन से शुरू किया और अथीन में भी इसी तरीके का, ब्रज भूमि में भी इसी तरीके का जोश था, उसके बाद और दूसरे विधानसभाओं में गए, कल फतेहाबाद में था, उचाना में गया, हम कलायत में गए, आज ये तीसरी सभा है बादली के, झज्जर बादली और बादली के बाद यहां, और झज्जर मेरा गृह जिला है और ये मेरी दादी का जिला है। मैं नैना जी को बताना चाहूंगा कि मेरी दादी बलकरे गांव की है, बलकरे की है और ये सब जानते हैं, हमारा भी पूरा परिवार, रिश्तेदारी, भाईचारा सारा यहां पर बसता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने साथी हैं पूरे बहुत ऐतिहासिक वोट से जिता करके नैना जी और सतपाल जी को यहां पर हरियाणा के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और कई बार हम जब हरियाणा में घूमते थे तो वहां सुनते थे कि भाई फलाना जिला बोले फलान नीम चंदन से कम नहीं और फलानी जगह लंदन से कम नहीं। तो भाई जब सरकार आपकी होगी तो मैं समझता हूं कि दादरी बाड़ा ये भी लंदन से कम नहीं रहेगा और आपकी हर तरीके से ये जो नौजवान खड़े हैं इनमें से मुझे नहीं लगता एक के पास भी रोजगार है क्या? बस मुए झंडा खाते रहो, इस
रन हुए, थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ और यहां वाले भी और पीछे वाले भी ऐसे ही मजबूती से लग जाओ, रोजगार भी आएगा, विकास भी होगा। प्रदेश से कानून व्यवस्था जो खत्म कर दी इन्होंने, फिर दोबारा कानून का राज भी होगा, हमारा भाईचारा भी होगा, हमारे माताओं बहनों की सुरक्षा भी होगी, अच्छी शिक्षा भी होगी, अच्छी चिकित्सा भी होगी। और इसी के लिए बड़े बड़े मैं समझता हूं कि प्रोजेक्ट लाने के लिए आज जरूरत है, तो जननायक जनता पार्टी की सरकार की जरूरत है। साथियों, एक कहावत थी, दादी का गांव हमारा इलाका है, तो दादी के ऊपर ये कहावत है, बोले दादी मर गई अंधेरे में, पोती का नाम रोशनी। अब ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी बाहर जाने वाली है, दूर दूर तक कई सरकार का नाम नहीं, लेकिन नारा दे रखा है अब की बार 75 पार। अरे भाइयों, अब की बार हरियाणा से बाहर और अगली बार इस देश से बाहर, तो ये नारा लेकर के हमारे साथी मैं समझता हूं कि निकले हैं। उनके पंडाल देख लो और यहां के पंडाल देख लो, वहां तक लाखों की भीड़, प्रधानमंत्री की यहीं पर रैली, बता रहे थे कि ये पंडाल जो है यहीं पर प्रधानमंत्री जी रैली करके गए। और भाई दुष्यंत जी ने और नैना जी ने और सतपाल जी ने और साथियों ने कहा कि हम उससे बड़ी रैली करेंगे, इस पंडाल को बढ़ा दो। 17 विधानसभाओं की एक रैली और 2 विधानसभाओं की एक रैली उससे भारी पड़ रही है, तो साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये हवा, ये तूफान, ये आने वाले समय में 2 दिन में आपने सुनामी इसको बना देना है, और सुनामी की चपेट में ये राजनीतिक सुनामी है। कहीं कहो कि भाई अशोक तंवर कह रहा है कि सुनामी लाओ इधर, सुनामी तो जो है वो समुद्र में आता है, लेकिन कहने के लिए वो भाव होता है कि वैसाई वोटों की सुनामी ला दो। और राजनीतिक जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने हरियाणा को लूट लिया, जिन्होंने हरियाणा को खोखला कर दिया, जिन्होंने हरियाणा के साथ विश्वासघात किया, आपका जनादेश लिया और जनादेश का अपमान किया, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालने का काम कर दो। ये ओके भी भाई दुष्यंत जी को इतने मिल गए हैं, मैं कह रहा था क्योंकि भाई एक बढ़िया जो म्यूजियम बन सकता है आपका, ओके गदा, तो इन्होंने बोला जी मैं तो इनको सबको कह देता हूं ऑफिस में, अपना जो भी कार्यालय हमारा जिले का और दूसरे कार्यालय उसमें दे दो, ताकि बुजुर्ग होक्का गड़गड़ाते रहे और वहां पर चर्चा करते रहे, बालकों को आशीर्वाद देते रहे और मार्गदर्शन करते रहे। तो साथियों, क्योंकि गोहाना की रैली है, मैं एक दो बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने भाई दुष्यंत जी घोषणा पत्र में क्या क्या है, क्या क्या करेंगे वो विस्तार से बताएंगे। हमने भी पिछले 5 साल संघर्ष किया, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी जिस तरीके से भी सेवा हो सकती थी इस इलाके की करी, पूरे हरियाणा की करी। और भाई दुष्यंत जी ने भी पिछले 5 साल बड़ी मजबूती के साथ संसद में पूरे हरियाणा की आवाज उठाई। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून हुआ, तो मिलकर के राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने भी भूमि अधिग्रहण के कानून के खिलाफ आवाज उठाई। और इसी तरीके से कोई भी मुद्दा हुआ, किसानों का हुआ, जब ट्रैक्टर पर ज्यादा जीएसटी लगा दिया, उसको वापस निकालने का काम इन्होंने करवाया। और इसी तरीके से हर मुद्दे को लेकर के हम इनको सुनते थे। पिछली संसद के अंदर सबसे युवा साथी के रूप में इनको मौका मिला देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का। ये दोबारा भी चुन करके आते, इस बार भी चुन करके आते, लेकिन लोगों ने साजिश रची। आप सबको पता है कि अलायंस की बात चल रही थी लोकसभा से पहले कि जेजेपी का, कांग्रेस का और आम आदमी का अलायंस होगा, और साथियों हम उस अलायंस के फेवर में इसलिए थे क्योंकि मिलकर कई समीकरण बनते थे। तो आज दुष्यंत जी भी यहां सांसद की हैसियत से होते, अशोक तंवर भी होता, लेकिन भाइयों कुछ लोगों को मंजूर नहीं था, उन्होंने अपने भी नैया और लुटिया डुबो ली, हमारी भी कोशिश करी, हम तो तैर करके आगे।
बनना था तो भाई सांसद क्या होता है। लेकिन साथियों, ये जोश जो है हमें और तेज इसको करना पड़ेगा, और क्योंकि जोश के साथ साथ हमें होश और ये नहीं सोच लेना कि भाई आज 1 लाख लोग आ गए, आज 1.5 लाख आ गए, आज 2 लाख लोग आ गए, अब इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। नहीं, वो चीज नहीं, मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी। और आप जैसा यहां जोश है, मैं समझता हूं कि ना केवल आज की रैली के बाद एक पूरे हरियाणा के अंदर संदेश देने का काम इस दादरी और बालड़ा की धरती ने किया है, और वो संदेश ये है कि साथियों, अब जो 75 पार का नारा दे रहे थे, उनकी जमानत 75 जगह जमा करवा दो, जमानत जब्त करवा दो। और इधर बढ़िया से भाई दुष्यंत जी कई बार कहते हैं, बोले जी हमने तो 53 सीटर बस ले रखी है। मैंने कहा दुष्यंत जी, ये लोग यहां के नौजवान, यहां की लड़कियां, आपने देखा होगा इस खट्टर सरकार ने 200-200, 300-300 किलोमीटर उनके सेंटर वो डाल दिए, और लड़कियां छतों पर बैठ करके खिड़कियों पर लटक लटक के एग्जाम देने के लिए गई। तो इसलिए आप तो बस ड्राइवलाइन ठीक करते रहो, खट्टर की खटारा सरकार जैसी गाड़ी ना चलाइयो, बस बढ़िया गाड़ी चलाइयो। इसमें 73-75 कितने भी भरे जा सकते, बाकी कुछ खड़े होंगे और मेरे छत पर बैठ जाएंगे। सतपाल जी जैसे बुजुर्ग चाहे बेशक है, लेकिन जोश और जज्बा जुनून इनका इतना है कि अगर मौका मिलेगा तो उस बस में ऊपर चढ़ के भी जाओगे लटकते हुए। तो अंत में मैं एक दो बात और कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गुजरात मॉडल दिखाती थी, बताती थी, 5 साल में आपने सब देख लिया। आज देश के अंदर आर्थिक मंदी है, 10 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, कोई रोजगार नहीं दे पाए, उल्टे नोटबंदी करके 1 करोड़ 10 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। हरियाणा में भी लाखों नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया, और आज ये फिर दोबारा कहते कि हम बड़े बड़े वादे करके कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने केवल और केवल जाति और धर्म की राजनीति करनी है, लोगों को बांटने का काम करना है। 4-4 बार हरियाणा पिछले 4 साल में 5 साल में जलवा दिया, आगे आगे तो पता नहीं कितनी बार जलवाएंगे। तो इसलिए ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाओ, और सुनिश्चित करो कि आने वाले समय में सही सोच के साथ, सही जिसकी नीयत है, ईमानदारी से जो काम कर रहे, जिसकी छवि ठीक है, उस साथी को मौका मिले। और मैं समझता हूं कि उसके प्रतीक के तौर पर आपके बीच में भाई दुष्यंत जी हैं। साथ साथ एक और बात, जो संत रविदास मंदिर का मामला था, आप याद करिए, हमारे यहां किसान मजदूर गरीब आदमी सब लोग बैठे हैं, उनका हर कौम से, हर धर्म से, हर जाति से संबंध हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 साल पहले वो कानून लिया SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ। 2 अप्रैल को पूरा देश, पूरा भारत वह सड़कों के ऊपर निकला, इनको वापस लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ देश निकला, इनको भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना पड़ा। अभी संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर जो दिल्ली के तुगलकाबाद में था, जिसको लेकर के आपने देखा पूरे देश के अंदर बहुत भारी विरोध और प्रदर्शन हुए, उसकी लड़ाई हमने 10 अगस्त को जब वो तोड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, और कल का दिन वो इतिहास में दर्ज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर वहीं बनेगा जो लड़ाई हमने और आपने लड़ी, इस हरियाणा के लोगों ने पूरे देश के लिए लड़ी, वो संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर भी वहीं बनेगा। तो साथियों, वो संकल्प भी भाई दुष्यंत जी का है, इसलिए बिना किसी भ्रमित हुए आप लोगों को एक ही देखना है, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही आपको केवल चाबी दिखनी चाहिए, चाबी, ये 100 तालों की एक चाबी, आपके राज की चाबी, आपके विकास की चाबी, आपके हर तरह के जो दुख दर्द है उसके समाधान की चाबी। इसलिए इस चाबी को बढ़िया से घुमा दो, ऐसे घुमा दो कि जो EVM की मशीन है, जो उसमें कई बार शंकाएं होती हैं, जब आप 70-80% वोट दे दोगे तो मशीन भी चिंगाड़ मारेगी, हाय रे के कर दिया JJP वालों, हाय रे के कर दिया हरियाणा वालों। तो ऐसी चिंगाड़ मरवाओ,
और जेजेपी की सरकार लेकर के आओ। आदरणीय नैना चौटाला जी को, सतपाल सांगवान जी को इनको हरियाणा की विधानसभा में भेजो और भाई दुष्यंत जी के नेतृत्व में एक मजबूत राज्य बनाओ ताकि मिलकर के फिर हम आगे की दिशा तय करें और राष्ट्र निर्माण के इस राष्ट्रीय मुहिम में जिसमें अच्छे अच्छे लोगों को जोड़े, बढ़िया बढ़िया लोगों को जोड़े, जैसे ताऊ देवीलाल जी ने जोड़े, आशीर्वाद दिया। आज पूरे देश के अंदर देखो कितने लोगों को उन्होंने तैयार किया। ऐसे ही मिलकर के हम, मैं समझता हूं कि इस देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। और भाई अपने को चिंता नहीं, मैं तो कई बार कह रहा था लोगों को कि पांच साल हमने संघर्ष किया, अभी रण सिंह मान जी और सांगवान साहब कह रहे थे कि तंवर साहब हम तो आपके स्वागत में आपसे पहले आ गए, तो पहले पाले तो हम नहीं आए, अपने साथ धक्का किया है, अपने साथ जाति करी है, सबको पता है मेहनत आपने करी, उधर हमने करी हरियाणा के अंदर। लेकिन कई बार लोगों ने माहौल खराब करना होता है और अगर वो माहौल खराब नहीं करने होते तो ना हम भाई दुष्यंत के साथ होते और ना जेजेपी की सरकार में इस तरीके से आपके साथ चल रहे होते। तो इसलिए साथियों जो है वो अच्छा है, उन्होंने जो गंदगी फैलाई थी ना, वो गंदगी का टोकरा ही अपने ऊपर धर दिया, उनमें गोबर भी है, फिर हमें कहते हैं और ऊपर तो होगी बारिश और सारा ऊपर गंदगी उनके ऊपर खुद चली गई, देख रहे होंगे आप। हम तो बच गए, हम तो बच गए, मारो ऊपर सुथरी सी पगड़ी आ गई और उनका गोबर का टोकरा आ गया। तो भाइयों इसी तरीके से आप भी एक और जो बड़ी गंदगी है उससे भी निजात पाओ इस भारतीय जनता पार्टी से और भाई दुष्यंत जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई और इसी तरीके से आने वाले समय में आपके लिए जैसे आप आए हैं बढ़िया बढ़िया योजनाएं आएंगी, ऐसे ही बड़े बड़े पंडाल सजेंगे और 21 को वोट दो, 21 से पहले हलवा हलवा आज बनवा लेना, बढ़िया कामयाबी की जब अच्छा मौका होता है हलवा पूरी खाते हैं ना, ऐसे ही आज हलवा पूरी माताएं भी बहुत बड़ी संख्या में आई है तो हलवा पूरी खुआ करके और तगड़े कर देना, अगले दिन दो दिन रोटी मिले ना मिले, आज हम भी बाजरे की खिचड़ी खा के आए हैं भाई दुष्यंत जी और हम, बाजरे और चने की वो देसी तरीके से जो बनी हुई थी खूब मक्खन डाल करके वहां पर माथा नहीं में कृष्ण जी ने दी थी, कृष्ण का जैसे कृष्ण जी को वो पसंद था ना मक्खन, वैसे खूब सारा मक्खन डाल करके बाजरे की खिचड़ी दी। ऐसे ही आप भी खा करके तगड़े हो जाओ और मामला पूरा चक दो, चक दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत बधाई सबको, राम राम और आगे के भाई थारा राज बने और खूब उसमें मौज हो, शुभकामनाएं।